ओके, तो एक बात आपको बता दूं कि ये फाइल है वो आपको फ्री मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, पर इसका जो पासवर्ड है वो आपको देखने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? तो पासवर्ड मैं कहीं पे भी मेंशन कर दूंगा वीडियो के अंदर रेड कलर में, ठीक है? ओके, तो अभी हमने ये देख लिया था, ठीक है? तो सेम ये वाला जो मटेरियल है मैं यहाँ पे भी नीचे इस वाले पोर्शन में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? ओके, कुछ नहीं, ये जो लाइन है, तो अभी आप देखें कि ये वाला हो गया, ठीक है? अभी अपने अंदर फ्लोरिंग रहा, फ्लोरिंग के अंदर हम यहाँ पे वीरे ऐसे टेडी इधर मैं ओपन करूँगा और फ्लोरिंग अपने देखेंगे इसके लिए फ्लोरिंग बेस्ट कौन सी है। कंटिन्यू, तो मटेरियल्स पे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा वुड एंड लेमिनेट, तो यहाँ पे बहुत सारी फ्लोरिंग है। मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइप को ले लेते, ठीक है? फ्लोरिंग ये वाली फ्लोरिंग मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइज काफी छोटी है, ठीक है? ये बरोबर है। फिर इसके बाद में अपने आ जाएंगे यहाँ पे सिंक का मटेरियल, अभी अभी मटेरियल देखेंगे यहाँ पे। ओके, ये वाला मटेरियल देखते हैं कि ये कैसा वाला, क्रोम लिखा हुआ है, मतलब सीधी सी बात है कि पॉलिश चारकोल लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, तो इसके अंदर अपने को रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे अपने, ठीक है? ये रिफ्लेक्ट ऐड कर लिया, ठीक है? बम्पनेस से यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है? कुछ नहीं, ये भी है रिफ्लेक्ट, ग्लोसीनेस थोड़ा कम, कैन में सिल्वर दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, पर यहाँ पर कोई पॉलिश वॉलिश है नहीं, फुल कर देता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे ये सब शायद सेम ही कलर, ठीक है? ये वाला कलर यहाँ से देख लेता हूँ। ओके, ये चारकोल वाला है, ठीक है? ये मटेरियल देख लेते हैं, यहाँ पे मेटल ऐसा दिया गया है, ठीक है? पर यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, मेटल होगा तो रिफ्लेक्ट होने ही वाला है। कलर देख लेते हैं, फिर यहाँ पे ये भी शायद सारकोली होगा, यहाँ पे ये डिफ्यूज है, ठीक है? कुछ नहीं, डिफ्यूज ही रहने देते हैं। ये हो, अब अपना जो, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि अपने को सब अच्छे से देख पाए। अभी जो मटेरियल रहा है वो रहा है अपने पास फ्रिज। ओके, इनॉक्स लिखा हुआ है, तो कलर इसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपने देखिए, तो जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टिव कोट दिखाई दे देगी, इसके ऊपर क्लिक करना है, जस्ट आपको रिफ्लेक्शन वाला दिखा दिया।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसका इसको भी रिफ्लेक्ट, तो यहाँ से आपको रिफ्लेक्टिव यदि कोड नहीं दिखाई दे तो यहाँ से आप रिफ्लेक्टिव कोड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, ओके, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव कोड, रिफ्लेक्टिव कोड, सॉरी डिफ्यूज कोड पे क्लिक हो गया, रिफ्लेक्टिव बाकी अभी चले जाते हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्शन आपको देना जरूरी है ताकि आपका जो लुक है वो जाए, इसको इतने देने की जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से कम कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव कोड, ठीक है, ये ग्लास, ओके, नो प्रॉब्लम, ये रिफ्लेक्ट होने जरूरी थे, यहाँ पे ही रिफ्लेक्शन कर लो, रिफ्लेक्शन भी उसी में, ठीक है, ये भी है। फिर यहाँ पे वुडन, इसके अंदर बम्पनेस दी है, देख लेते हैं बम्प कहाँ पे है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, बम्प नहीं है, प्लस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बम्प दिखाई दे देगा, ठीक है। बम्प के अंदर क्या करना है, जो यहाँ पे डिफ्यूज वाला आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टेक्सचर है उसको कर देंगे कॉपी, और यहाँ पे आपको बम्प तो इसके अंदर कर देंगे पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू कर लेनी है 0.3 के आसपास, ओके। फिर ये वाला मटेरियल देख लेते हैं अपने, ठीक है, ओके, ये भी ग्लास के अंदर ही आ रहा है, फिर ये भी ग्लास ही है, ओके, ये वाला मटेरियल, ओके, ठीक है। फिर अभी आ जाते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन ठीक ही है, ओके, यहाँ पे फैब्रिक, फैब्रिक में टेक्सचर, इसको कॉपी कॉपी करके यहाँ पे बम्प के अंदर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, पेस्ट एज कॉपी, इसको यहाँ से सेव कर लेंगे पहले तो, ठीक है, सेव पिक्चर के अंदर, ठीक है, यहाँ से पिक्चर और इसको हम, ओके, इस वाले को कॉपी और अभी इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। ये हो जाने के बाद सेलेक्ट
और यहाँ पे ये ट्रे सेलेक्ट करेंगे। ओके ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे अपना ये गैस था, ओके तो इसको देख लेते हैं। ओके फिर इसके यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये देखिए, इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके तो यहाँ पे प्लस और यहाँ कर लेंगे MEC, ठीक है, और यहाँ पे 2 के आसपास रखते हैं, ठीक है। सेम टू सेम रेड वाले को भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी कर लेंगे, प्लस पे क्लिक करके यहाँ से MEC, ठीक है। फिर इसका मटेरियल भी देख लेंगे, ओके इसका मटेरियल भी ठीक है, फिर ब्लैक वाले का, ओके फिर यहाँ पे आते हैं, ये ग्लास में आएगा, ठीक है, फिर ये भी, ठीक है, रिफ्लेक्टिव कोट, ठीक, अभी ये वाले वाइट वाले, कॉपी प्लस सॉरी सेकंड वाले पे प्लस और यहाँ से बंद पंप के अंदर यहाँ पे पेस्ट एज कॉपी 0.5, सेम टू सेम ये वाला भी, कॉपी प्लस बंप पेस्ट एज कॉपी 0.3, ओके अब सीन टू, अब यहाँ पे मैक्सिमम सब कुछ हो गया है। अभी जो अपना है यहाँ पे लाइट लगाएंगे और यहाँ पे एक एमिसिव लाइट है वो बाकी है अपने, वो लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ओपन ही रख के रेंडर करता हूँ, यदि क्लोज होगा तो रेंडर कैसे होगा वो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो अभी जो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए आप ये सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे प्लस मटेरियल और MEC, यहाँ पे वाइट ही रखेंगे और इसकी इंटेंसिटी अभी के लिए 10 रख देते, ठीक है, और इस वाले को मैं यहाँ पे कर दूंगा अप्लाई। ओके ये हो गया यहाँ पे अप्लाई। फिर ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे अपने एक है यहाँ पे अपने एक लाइटिंग बाकी है, ठीक है, तो इसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है रेक्टेंगल लाइट लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है, ओके पहले छोटी सी लगा देनी है आपको, क्या है क्यों लगानी है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, स्केल किया, ओके स्केल करोगे तो आपको यहाँ तक आपको मिल जाएगी, ठीक है।
अब इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, स्केल करके इसको नीचे की साइड भी ले लेंगे थोड़ा, इस वाले पोर्शन को सेलेक्ट करके। अभी एडिट में जाएंगे और यहाँ पे लाइट्स, लाइट्स के अंदर रेक्टेंगल लाइट है यहाँ पे, थोड़ा सा इसका कलर है जो येलो, कुछ इस टाइप रखूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे 0.5 ऑप्शन के अंदर इनविजिबल, ठीक है, ओके 0.6 के आसपास रखते हैं। सनलाइट है उसकी वैल्यू 1 ही है यहाँ पे, यहाँ पे जो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो आपको सनलाइट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साइज मल्टीप्लाई इसको मैं 80 के आसपास रख दूँगा, ठीक है, ओके। अभी सीन 2 में जाते हैं, मोस्ट ऑफ अभी हमारा ये रेडी हो गया, तो अब इसकी बारी आती है वो है रेंडरिंग की, ठीक है। तो रेंडरिंग करके एक बार अपने देख लेते हैं कि रेंडर ठीक है तो अपने करते हैं। तो पहले मैं टेस्टिंग रेंडर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग, सेटिंग के अंदर अभी जैसे प्रोग्रेसिव है तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, और रेंडर आउटपुट यहाँ पे 1x1 square रखेंगे, ठीक है, और सेव फ्रेम ऑन कर देता है। ठीक है, एक बार अभी रेंडर करके देख लेता हूँ। कुछ इस टाइप आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो लाइट नहीं दिखाई दे रही अपने, ठीक है। यहाँ पे लाइट यहाँ पे एमसीब है, एमसीब यहाँ से सेलेक्ट, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ओके। अब वापस रेंडर करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंडर इस साइड इस टाइप आया, ओके, और ये लाइट कुछ ऐसी आई है, ओके। तो वापस अभी मैं यहीं पे जाऊँगा और बाकी सब आपको देखिए, यहाँ से आप लाइट देख रहे हैं तो ठीक है, दिक्कत यहाँ पे हो रही है अपने को कि एक तो ये मतलब ठीक है, ये वाइट कलर हो जाएगा यहाँ पे, यदि मैं एक्सपोजर करूँगा तो ठीक हो जाएगा यहाँ पे, ये लाइट अपने को और दिखानी है, ओके। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको पॉइंट डिक्शनरी देखिए, ये देखिए 1 कर लेता हूँ मैं तो कुछ इस टाइप हो जाएगा, ठीक है, और 0 रखूँगा तो कुछ इस टाइप हो जाएगा। यहाँ पर मैं रखता हूँ 0.2, जैसे मैं यहाँ पे 0.3 रख रहा हूँ, और इस वाले को थोड़ा सा वाइट कर लूँगा मैं, ओके। अभी जैसे मैं यहाँ पे रेंडर करूँगा आप देखेंगे,
ओके 0.62 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लूँगा वैल्यू, ओके। और सनलाइट यहाँ पे 0.8, ओके। और अभी आ जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग के अंदर हम क्या करेंगे रेंडर की, ओके। तो यहाँ पे जो है अभी इमेज वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1200, ठीक है। और यहाँ पे 1:1 square ही है, और नॉइज लिमिट 0.04 है। यहाँ पे मैं 3 कर लेता हूँ, तो आप 2 भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए डिनोइजर ऑन कर लेना आपको, ओके। फिर यहाँ पे आप डिनोइजर वापस यहाँ पे एक आपको आता है, यहाँ पे वीडियो डिनोइजर के अंदर प्रीसेट है, इसके अंदर आपको करना है माइल्ड, ठीक है, डिफॉल्ट नहीं रखना। फिर इसके बाद में ग्लोबल इल्यूमिनेशन है, यहाँ पे आपको करना है इरिडियंस मैप, ओके। इतने से आपको सेटिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे रेंडर अभी मैं देना चाहता हूँ, एक तो ये वाला दे सकता हूँ सीन, यदि मैं दूसरा यदि कोई सीन क्रिएट करता हूँ, तो मान के चलिए मैं यहाँ से एक सीन क्रिएट करता हूँ, कुछ इस टाइप। फिर मैं यहाँ पे फ्रेम से फ्रेम ऑन कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ, जो 584 इंच और फील्ड ऑफ व्यू है 40 कर लेता हूँ, के लिए ये वाला रेंडर निकालेंगे ताकि अपने को सब चीज़ दिख सके, ठीक है। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ अपने, और यहाँ पे जो आप कैमरा कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 2.0 perspective, ठीक है। ओके, और यहाँ से अपने, और अभी मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे यदि मैं सेव फ्रेम ऑन कर लेता हूँ, तो आप देखिए कि मेरे को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव फ्रेम ऑन नहीं रखूँगा, ठीक है, 1:1 square, ओके। कस्टम जैसा कि अभी यहाँ पे अपने को दिख रहा है वैसे ही, ठीक है, कस्टम हो गया कि जैसे अपने को दिख रहा है वैसे ही करना है, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सब सेटिंग कर लिया, ओके, उसके बाद में आपको फाइल सेव कर लेनी है हमेशा, और उसके बाद में आपको फाइल सेव हो जाए उसके बाद में आपको करना है एंटर पे क्लिक, तो देखिए आप यहाँ पे रेंडर हो रहा है, तो होने देते इसको रेंडर।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रेंडर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा बम्पनेस के अंदर, यहाँ पे थोड़ी सी बम्पनेस दिखाई दे रही है। ओके, फिर यहाँ पे आपको डिनोइजर ओके हो गया। यहाँ पे आप डिनोइजर के अंदर कुछ भी कर सकते हो, ओपेसिटी आपको माइल्ड से देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, यहाँ पे माइल्ड ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे। अभी एक्सपोजर यदि आपको कम लग रहा है तो देखिए मैं यहाँ से बढ़ा दिया थोड़ा सा। हाईलाइट बंद, यदि कहीं पे हाईलाइट ज़्यादा आ रहा है तो यहाँ से आप हाईलाइट कम कर सकते हैं, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये रेंडर हो चुका है हमारा। ओके, इसको कर लेता हूँ सेव। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको बम्पनेस थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी, वो बम्पनेस यदि हमने दी है तो वही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे भी देखता हूँ, ओके, ये वाला मैंने मतलब सेलेक्ट किया, इसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे बम्पनेस दी थी, कैसी थी वो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप थी, तो वो बम्प वहाँ पे दिख रहा था। बाकी यदि आप बम्प नहीं देते तो वहाँ पे बम्पनेस दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो ये तो हो गया एक रेंडर। ओके, एक दो और रेंडर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ फ्रंट वाला रेंडर निकाल दो कुछ। यहाँ से कस्टम करके 16:9 स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं 14। आई हाइट अपने कर लेंगे 5 फिट। ठीक है, फिर यहाँ से जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 55 करेंगे 50, और आई हाइट 4 फिट करके देखते, 4 फिट 6 है। ठीक है, ये भी हम दूसरा रेंडर निकाल रहे हैं। ठीक है, व्यू पोर्ट सेकेंड, और फिर जैसे कि पिछली बार ये कुछ इस टाइप दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब की बार सामने वाला निकाल रहे अपना। इसके अंदर इसकी अपनी रिफ्लेक्शन वो सब फुल रखते हैं। और यहाँ पे व्यू और कैमरा और 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। ठीक है, अब इसका कर देंगे रेंडर, और साइज आपने देख ही लिया है यहाँ पे। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, तो यहाँ पे इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ताकि ये भी अपनी हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाए। उससे फ़ायदा क्या होता है वो भी आपको
और इस रेंडर जो ये अपना टाइम लिया है रेंडर होने में वो लिया 5 मिनट 4.2 सेकेंड। इससे अपने को पता चल जाता है कि अपना रेंडर में कितना टाइम लगा। अब मैं सेकेंड रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे स्टार इंटरेक्टिव पे क्लिक कर लिया मैंने। ओके, ये वाला अपने को नहीं करना था, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ये वाला अपने को नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्टिव क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेंडर विद वीडियो नॉट इंटरेक्टिव, और यहाँ पे मैं एफ। तो ये हो गया, यहाँ पे रेंडर अपना कंप्लीट होने ही वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बम्पनेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओके, ये डिनोइजर देखिए, अभी ये वाला बम्पनेस कम हो जाएगा, डिनोइजर मतलब काम पर। ओके, ये हो गया रेंडर। इसके अंदर आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी कि ये कलर अलग दिख रहा है, ये कलर अलग दिख रहा है, क्यों? इसका कारण है कि अपने जो बाहर का जो है वो दीवार अपने नहीं लिए और जो सन है उसकी लाइट अंदर आ रही है, उसके कारण ये ऐसा हो रहा है। रियलिटी में यदि आप करेंगे तो सनलाइट अंदर आ सकता है, ऐसा दिखाई दे सकता है, पर डिजाइन करें यदि आप चाहते हैं कि ये कलर सब सेम ही हो, जैसा मैंने किया है वैसा ही हो, ये ऐसा कलर चेंज नहीं हो, तो वो कैसे, उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन के लिए मैं इसका एक और वीडियो ले आऊँगा। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सीखेंगे उस प्रॉब्लम, ये जो भी प्रॉब्लम अपने फेस कर रहे इसका सॉल्यूशन अपने पास क्या है। तो अभी चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो फाइल है आपको ये फ्री में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है और इसका जो पासवर्ड है वो इस वीडियो के अंदर है, कहीं पर भी दिखाई दे सकता है, रेड कलर के अंदर मेंशन होगा। थैंक यू।